नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज जोशी। रायगढ़ में शातिर ठगों की ओर से पैसों का लालच देकर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक ठग ने महिला के फोन पर बाइक और 5 लाख रुपए जीतने का मैसेज भेजा था और उससे रुपये ठग लिए गए। उसने महिला से टैक्स के नाम पर रुपये की डिमांड की और महिला ने उसे पैसे दे भी दिए, लेकिन बार बार वो पैसे मांगने लगा। तब महिला को उस पर शक हुआ, जिसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गई। इसके बाद पुलिस ने अब आरोपी ठग को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने 6 नवंबर 2019 को शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि उसके फोन पर मैसेज आया, उसमें लिखा था कि आपने 5 लाख और एक बाइक जीती है। बाद में एक नंबर से फोन आया, उसने कहा कि आपको ये रकम लेने के लिए टैक्स के नाम पर 26,299 रुपये जमा करने होंगे। ये जानने के बाद गिफ्ट के लालच में महिला ने पैसे जमा करा भी दिए, मगर ठग यही नहीं रुका। उसके बाद भी उसने फोन किया कि टैक्स के लिए और रुपया की जरूरत होगी। तब महिला को उस पर शक हुआ, जिसके बाद महिला थाने पहुंची। वहीं शिकायत में ये भी बताया गया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अरविंद बताया था। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की। काफी जांच और खोजबीन के बाद भी आरोपी का कुछ पता नहीं चला। बाद में ये पता चला कि जिस खाता नंबर से रुपये का लेन देन किया गया है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भद्रवा निवासी शैलेंद्र कुमार पटेल का है। इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, लेकिन उस दौरान उसका कुछ पता नहीं चल सका। मोबाइल नंबर भी बंद था। इस बीच पुलिस को ये पता चला कि आरोपी अपने घर आया हुआ है। तब पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।